आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे और आज हम लोग इनके बारे में क्यों बात करें, क्योंकि हाल में ही इन्होंने मिस यूनिवर्स बनी हुई है। और आपको बता दूं, ये हैं हरनाज संधू। इन्हें आप लोग हरनाज कौर संधू के बारे में भी जानते होंगे। आज आप लोग न्यूज़पेपर उठा के देखे होंगे या सोशल मीडिया पर या आप लोग और भी साइटों पर, तो ये हेडलाइन में एक तरह से बनी हुई है, चर्चा में बनी हुई है। तो इनके बारे में एक क्या करते हैं हम लोग कि एक सामान्य जानकारी आपको दे देते हैं। ये सामने इनकी पिक्चर दिख रही है आप लोगों को। और इनके बारे में बात करें तो हरनाज कौर संधू इनका नाम है और 3 मार्च सन 2000 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थल चंडीगढ़, भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा की बात करें तो शिवालिक पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ से अपनी शुरुआती शिक्षा लेती हैं। उसके बाद आपको बताऊं तो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़ से इन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक किया हुआ है। ठीक है, आप लोग भी तो देखते हैं कि आप 12वीं के बाद कोई BA BSc करते हैं तो उसी को आप लोग स्नातक कह देते हैं। और इनकी अगर हम लोग शौक खाने की करें कि शौक में क्या खाना पसंद है ने? तो नॉन वेजिटेरियन है। और शौक की बात करें तो खाना बनाना, कुकिंग करना, माइक्रोवेलिंग करना, ठीक है, इनका शौक है। देखिए, हमारे देश में जब भी किसी के बारे में बात होती है, कोई चर्चित व्यक्ति होता है, तो उसका धर्म मुझे लगता है पहले देखा जाता है, उसकी जाति पहले देखी जाती है। तो याद रखिए, सिख धर्म से आती है। और लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए, मुझे लगता है किसी भी खिलाड़ी के बारे में, किसी भी नेता के बारे में जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। भारतीय है वो, सीधा सा कहना चाहिए। इनके पैसे की बात पैसा की बात करें, पैसा की यानी कि व्यवसाय की, तो भारतीय अभिनेत्री है, मॉडलिंग भी है और ब्यूटी क्वीन है। और वैवाहिक स्थिति की, अविवाहित है। जब भी हम लोग किसी मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं तो सबकी दिलचस्पी होती है कि आखिर ये शादीशुदा है या मॉडलिंग या अविवाहित है। तो सबसे पहले इनके करियर की बात करें तो हरनाज संधू ने मिस चंडीगढ़ 2017 बनकर अपना पहला सौंदर्य खिताब अर्जित किया और वही उसी वर्ष टाइम्स फ्रेश फेस मिस इंडिया भी बनी थी। तो इनके करियर की शुरुआत होती है 2017 में शुरुआत होती है। फिर आप देखेंगे मिस इमर्जिंग स्टार इंडिया 2018 की प्रतियोगिता भी इन्होंने जीती थी और इस प्रतियोगिता को मुंबई के मलाड में इन्फिनिटी मॉल में किया गया था, मॉल में। ठीक है, 2018 का मिस इमर्जिंग स्टार इंडिया का खिताब भी इन्होंने जीता हुआ था। फिर आप देखेंगे फेमिना मिस इंडिया 2019 में भी इन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसी इस प्रतियोगिता को यानी कि फेमिना मिस इंडिया को भी इन्होंने अपने नाम किया था और प्रतियोगिता को मुंबई में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में किया गया था। फिर आप देखेंगे 2021 में इन्होंने पंजाबी फिल्मों यारा दिया पू पू पू, पू, पू वरन बरन और बाई जी कुटंगे में अभिनय भी किया हुआ है। तो इन फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, पंजाबी मूवी है। फिर आप देखेंगे 2021 में मिस दिया दिया यूनिवर्स भी बन चुकी है और अभी हाल में ही आपने देखा है हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। तो ये है आपकी कहानी हरनाज संधू की। मुझे लगा चर्चा में है, अभी न्यूज़पेपर उठा के मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को बता देना चाहिए। ठीक है,